एंजॉय करो लाइफ और क्या है। हाय डियर्स, क्या हाल चाल है। तो वर्कआउट का टाइम स्टार्ट हो चुका है, हमने तो अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है, लेकिन तो अभी डिनर हमने कर दिया, तो हम बाहर आए तो थोड़ा सा और वॉक कर लेते। तो मेरे साथ डॉक्टर सलामत भी है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करेंगे और इससे हमारा डाइजेशन भी होगा। और ये देखो सब आए हुए हैं, सब वॉक कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास तीसरा दोस्त है हमारा, डॉक्टर जिया भी आ गया। तो अब हम ये वॉक कंटिन्यू कर रहे हैं। मेन टॉपिक ये है कि क्या बोलो, अभी डॉक्टर सलामत खान आपसे ये ना कि यार देखो इधर हम घूम रहे हैं, हम पागल तो नहीं, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। क्यों आ रहे हैं? देखो बिल्कुल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ना कोई वायरस, बिगेस्ट वायरस भी आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है। और ऐसी आप भी घूमे इंजॉय करो, लेकिन सोशलाइजेशन हो, आपके डिस्टेंस वगैरह क्रिएट करो, क्राउड में ना घूमो। ये हमारे साथ डॉक्टर सलामत खान ने बहुत अच्छी बातें की है। तो जिस तरह इसने बोला कि डिस्टेंस बरकरार रखो, तो बहुत अच्छा बोला इसने, और अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखें, वर्कआउट करें। आपको हम बैक कैमरे से बताते हैं कैसे लोग वर्कआउट कर रहे हैं और किस तरीके से लोग अपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो सबको चाहिए कि अपनी बॉडी को फिट रखें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, पुशअप करें, चाहे वो घर पे करो, चाहे वो जिम जाए, जिधर भी हो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारी आप पे अटैक नहीं करेगी। तो इस तरह सबको चाहिए कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करें। तो उसके लिए हम सबको चाहिए कि विटामिन डी लें और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हाँ, विटामिन सी, ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। तो विटामिन डी के वो इंजेक्शन मिलते हैं, तो वो दूध के साथ या पानी के साथ या ऐसे भी आप औरल पी सकते हो ना। तो विटामिन सी वो फ्रूट में भी आप ले सकते हो, विटामिन डी भी आप में आपसे फ्रूट से, मीट से और मुख्तलिफ प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगी। तो सबको चाहिए कि खुश रहो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। और एक 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 और बात मैं सिंपल बताना चाहूँगा, इन दिनों में ये गोश्त मुर्गी इन चीज़ों में थोड़ा सा परहेज करें, सब्जी वगैरह पल्सेस वगैरह ये चीज़ें हम खाएं, ठीक है। हाँ, इस तरह क्योंकि इम्यूनिटी को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सलामत खान ने बोला कि गोश्त और मुर्गी को थोड़ा सा कम करें, इसने बोला मुर्गी और गोश्त तो बहुत मस्त है, सबको खाना चाहिए, लेकिन ये मुर्गी नहीं, मुर्गी को बिल्कुल फिनिश कर दो, मुर्गी को कभी भी मत खाना, ठीक है। और गोश्त बहुत अच्छा है, गोश्त खाओ, फिश ज़्यादा खाओ, और फ्रूट और वेजिटेबल्स ये खाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसमें सब्जी बनाइए और अपना वो डिस्टेंस 6 फीट के पास ले पे रहो, आपस में जो बातें करते हो तो आपस में बातें करते हो तो उसमें पास ला रखो। तो लाजमी बात है ना, अगर आप में डिस्टेंस ही होगी तो वायरस नहीं फैल सकता, ये गैदरिंग की वजह से फैलता है ना, जहाँ पर गैदरिंग वगैरह होती है उधर ही फैलता है। तो ये सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे इस टाइम है और हम भी यहाँ पे आए हैं, तो सब वॉक कर रहे हैं, तो हम भी आए वॉक भी कर लिया और आवाम को एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। तो सबको चाहिए कि अपना ख्याल रखें। और एक बात मैं सिंपल कहूँगा, देखो आपने इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि ये आधी बीमारी आपको डिप्रेशन से लगती है, ठीक है। ये लोग जो टेंशन वगैरह लेते हैं कि हमें हो गई यकीन करो फिर हो जाते, आप ये सोचो ही नहीं कि ये सोचो कि मतलब ये है ही नहीं है, ठीक है।
जिस टाइम आप ये सोचोगे तो आप तकरीबन इन चीज़ों से बच जाओगे। हाँ, डॉक्टर सलामत खान ने बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सबको मुहताज रहे, ठीक है, सब सोचे कि हाँ कोरोना मुझे भी है, सबको है। जब आप इस तरह सोचोगे ना तो आप अलर्ट रहोगे ना, अपना ख्याल रखोगे, अपना मास्क पहनोगे, अपने डाइट का खास ख्याल रखोगे, अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सुपर होगा। तो फिर आप पे कोई भी बीमारी हो तो वो अटैक नहीं करेगी, तो चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे जो भी हो, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आप सबका। तो सिंपल ये है ना यार, और बात है, चलो लग बस सिंपल एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ, फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज वगैरह करो। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, लाजमी बात है इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वाइट ब्लड सेल मतलब आपके अच्छे, मतलब आपके अच्छे तरीके से काम करेंगे, प्रोटेक्शन वगैरह और ज़्यादा होगी, तो इस वजह से आप बात किया होगी मतलब इनकी। ये देखो तो इस तरह करो कि सब खुश रहो और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करो। और हमने जो इस वीडियो में आप सबको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोरोना वायरस को लाइट ना समझो, ये बहुत ख़तरनाक है और इसको सीरियस समझो, ठीक है ना। और इतना भी सीरियस ना हो कि आप अपने इसको जहन पे हावी कर दो है चीज़, लेकिन मतलब यार इंसान सीरियस इतना भी ना हो, आपको पता होना चाहिए ये है, लेकिन इसको अपने सर पे हावी मत करना। हावी करोगे तो रोज़ वो डिप्रेशन में चीज़ आ जाती है, फिर वो उस आप फिर वो चांसेस होते हैं आपको लगने के, क्योंकि डिप्रेशन इंसान का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होते हैं। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना, ठीक है, बहुत मोहतात करें और अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। जिस तरह हमने बताया कि खुराक अच्छा करो तो इसमें सबकी भलाई है, ठीक है, तो इस तरह करें। जिस तरह हमने बोला कि रोज़ाना के हिसाब से वो एक्सरसाइज करें और अच्छा फ्रूट और वेजिटेबल्स ये चीज़ें यूज़ करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो याद दुनिया में कोई बीमारी आपको मतलब लग नहीं सकती, वो अलग है कि इंसान दवाई हो तो लग सकती है, लेकिन इन चीज़ों का फॉलो करेंगे तकरीबन बच जाए। हाँ, तो हमने आपको ये कोरोना के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहो, जिस तरह हमने बोला उसी तरह करो, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, बेस्ट ऑफ लक।